नमस्कार, आज के इस योग सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, योगा थेरेपिस्ट और एक्स रिसर्च ऑफिसर योग जीबी पंत हॉस्पिटल। हमने पिछले दो सत्रों में वातसार और वारिसार धोती के बारे में जाना कि किस प्रकार से हम अपनी योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज का सत्र आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बात तो समय की है, जब मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत था रिसर्च ऑफिसर के रूप में, और 1982 के अंदर नवे एशियाई खेल भारत में होने वाले थे। उस दौरान वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर चटानी के नेतृत्व में जो डायरेक्टर थे हमारे, डॉक्टर विच, डॉक्टर एस के सरीन, प्रोफेसर मलिक और बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे पेट की बीमारियों पर, योग किस प्रकार से पेट की बीमारियों में सहायक होता है। एक ग्रामीण पेशेंट हमारे पास आया और मैंने जब उसका पेट देखा तो मैंने उससे पूछा, कभी इम्यूनिटी के बारे में जानते हो क्या होती है? बोला, डॉक्टर साहब मैं तो गांव का हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बुज़ुर्गों ने बताया और मैं जानता हूँ कि जब लू चलती होती है जून के महीने में, और ऐसी लू में जब मैं खेत पर जाकर वापस आता हूँ पूरे दिन लू के अंदर, और उसके बाद भी मैं ठीक रहता हूँ, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, मेरे पास छाता नहीं होता और मैं पूरा भीग जाता हूँ जाड़ों में या सावन के महीने में, और उसके बाद में मैं जब घर आता हूँ तो मुझे जुकाम नहीं होता, मुझे छींक भी नहीं आती, और उसके बाद मैं और भी इस प्रकार की अनेकों इस तरह से अपने शरीर को यातनाएं देता हूं, लेकिन मैं ठीक रहता हूं और मेरे को कुछ नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। आप, मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई कि जो हम इम्यूनिटी के बारे में बड़े बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़ते हैं, ये जो ग्रामीण है ये उसको कितने अच्छे से जानता है, क्योंकि इम्यूनिटी पढ़ने की नहीं, करने की चीज़ है, और अभ्यास करने से ही इम्यूनिटी समझ आती है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ऐसी ही तीसरी क्रिया पर, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इसका अभ्यास करके हम अपने को ठीक रख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गेरन संहिता में अंतर्धोती के अंतर्गत तीसरी क्रिया, जिसको हम कहते हैं अग्निसार। अग्निसार अर्थात हमारी जो देहाग्नि और जठराग्नि दोनों को प्रदीप करती है, उसको सम रखती है। सबसे पहले हम इस क्रिया के बारे में जानेंगे। हमारे जो योग शिष्य हैं जसवंत सिंह, ये आपको करके दिखाएंगे। किसी भी सुखासन या ध्यान अवस्था में आप आराम से बैठ जाएं और धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस अंदर लेना शुरू करें। श्वास लेने के बाद मुंह बंद कर लें, श्वास रोक लें और पेट को इस प्रकार से चलाएं ताकि वायु पूरे पेट में, हमारा जो उदर संचालन ये हो रहा है उसमें पूरी पेट में ये वायु हमारी घूम जाए और ये जितने विजातीय द्रव्य हैं वे इकट्ठे हो जाएं, और उसके पश्चात दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाल दें। ये हमारी एक तरह की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, जितने विजातीय द्रव्य हैं हम श्वास के माध्यम से बाहर निकाल दें। इस क्रिया का 4 से 5 बार आप अभ्यास करें। जब भी ये क्रिया करें खाली पेट करें, और आप देखेंगे कि इस क्रिया के उपरांत हम एक नई ताजगी अपने शरीर में महसूस करते हैं। हमारे नाक के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से हमारे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगले सत्र में हम इसी प्रकार एक और क्रिया के बारे में जानेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें, घर में रहें, और हाँ सदा याद रखिए, पृथ्वी और प्रकृति से प्रेम करते रहें।
सदा सुखी रहेंगे। नमस्कार।